प्रवीण कुमार जाटव यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर बागपत जिले के टिकरी चौकी में तैनात थे। चौकी इंचार्ज ने गोली मारकर हत्या कर दी और मारने के 1.5 घंटे के बाद पूरी तरह से प्लानिंग बनाकर इसको आत्महत्या का नाम भी दे दिया। चौकी के अंदर रूम में खाना खाते हुए 2.5 रोटी ही खा पाए थे, तीसरी रोटी पूरी भी नहीं खा पाए थे कि चौकी इंचार्ज ने अपनी पुरानी रंजिश के चलते खाना खाते समय कनपटी पर 2 गोलियां मारी। गोली मारने के बाद भी इसको किसी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, बल्कि चौकी के उस रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और चौकी इंचार्ज फरार हो गए। इसके बाद भी किसी ने प्रवीण को अस्पताल नहीं पहुंचाया, बल्कि मौत की पूरी तसल्ली होने के बाद 1.5 घंटे बाद घर पर सूचना दी गई कि प्रवीण कुमार ने आत्महत्या कर ली है। रूम में खाना ऐसे ही पड़ा है। अब इसमें कई सारी बातें सामने आती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी कनपटी पर गोली मारेगा तो क्या वो पहली गोली मारने के बाद दूसरी गोली मार पाएगा, जबकि रिवॉल्वर से कान पर सटाकर गोली मारी गई है। बागपत एसपी ने बयान दिया है कि मृतक ने गंभीर बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या की है, जबकि उसे कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी। वह मन मस्तिष्क और शरीर से पूरी तरह तंदुरुस्त था और अपनी ड्यूटी पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्यरत था, लेकिन शायद प्रवीण को ईमानदारी की ही सज़ा मिली है। घर वालों ने बताया कि इसने पिछले दिनों छुट्टियों पर घर आकर हमें बताया कि एक दिन हमारी ड्यूटी चेकिंग पर लगी थी, तभी किसी मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाइकिल को बैरियर लगाकर हमने कुछ बदमाशों को पकड़ा। उनके कब्जे से कुछ कीमती हथियार भी मिले। बाद में एसओ और एसआई ने मिलकर इन बदमाशों से एक बड़ी रकम लेकर ऐसे ही छोड़ दिया और इन सब कॉन्स्टेबलों को 5,000 रुपये भी दिए गए। प्रवीण कुमार ने इसकी शिकायत कहीं आगे कर दी थी, जिससे चौकी इंचार्ज तब से ही प्रवीण से रंजिश रखने लगा था। प्रवीण ने गांव में ये भी बताया कि तब से चौकी इंचार्ज परेशान भी करता रहता था और छुट्टी भी नहीं देता था, छुट्टी मांगने पर गाली गलौज भी कर जाता था। आज खाना खाते हुए किसी बात पर चौकी इंचार्ज ने अपने रिवॉल्वर से कनपटी पे सटाकर 2 गोलियां मारी और फरार हो गया। एसआई को बचाने के लिए बागपत एसपी ने मृतक प्रवीण को बीमारी से ग्रस्त बताया, जबकि वह ऑन ड्यूटी पर था। ये प्रवीण कुमार नाम के एक सिपाही को यहाँ पर गोली लगी है। ये 2016 बैच का सिपाही था और यहाँ पर पोस्टर टीकरी चौकी है हमारी दो घर थाने की। यहाँ पर जो इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है, कारण अभी तक तो जो फौरी सूचना मिली है या बातचीत करने से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इसके पहले भी इसके पेट में पथरी थी, अल्सर था, उसको ऑपरेशन इसने करवाया था और 1 महीने करीब ये ईएल छुट्टी पर भी था। छुट्टी से ये लौटा था 2 दिन पहले, यानी परसों की सूचना है कि इसकी मुंह से थूक जो आया था उसमें खून के कुछ अंश थे, जिसे वो काफ़ी परेशान था। उसका कहना था कि मुझे लग रहा है कि टीबी हो गई है। तो आज एक तो शपथ ग्रहण का समारोह था, उसमें भी जाना था, दूसरे चेकअप के लिए जाना था, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि उस बीमारी से परेशान होकर के ही इसने यहाँ पर खुद से अपने आप को गोली मारी है, लेकिन बाकी अन्य चीज़ें जो है उसकी जांच हम करवा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोज़ की जानकारी आप तक सीधे पहुँचती रहे।